चिकन पॉक्स जो एक वायरल डिजीज है, इससे बचना और अपने बच्चों को बचाना बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आपको इसके शुरुआती लक्षण नजर आए तो तुरंत जरूरी कदम उठाएं। बता दें, भारत में चिकन पॉक्स का एक नया वेरिएंट क्लैड 9 पाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वेरिसेला जोस्टर वायरस पैदा करने वाले नए वेरिएंट की खोज की है। वैज्ञानिकों ने मंकी पॉक्स पर अध्ययन करते हुए देश में पहली बार क्लैड 9 का पता लगाया है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि अत्यधिक संक्रामक चिकन पॉक्स के लिए वेरिसेला जोस्टर वायरस जिम्मेदार है। WHO ने कहा कि वेरिसेला जोस्टर वायरस हर्पिस वायरस परिवार का ही सदस्य है। यह वायरस बच्चों में हल्के विकार का कारण बनता है और वयस्कों में अधिक गंभीर होता है। चिकन पॉक्स, जिसे वेरिसेला के नाम से भी जाना जाता है, इसमें आमतौर पर खोपड़ी और चेहरे पर दाने होने शुरू हो जाते हैं, साथ ही बुखार भी आता है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं: रैशेस, बुखार, सिरदर्द, भूख ना लगना, थकान और खराब स्वास्थ्य की भावना क्लैड 9 के सामान्य लक्षण हैं। चिकन पॉक्स के चकत्ते वायरस के संपर्क में आने के 2 से 3 सप्ताह बाद ही दिखाई देते हैं। चकत्ते आने से पहले संक्रमित व्यक्ति को बुखार, शरीर में दर्द और सिरदर्द हो सकता है। अभी तक एक्सपर्ट्स क्लैड 9 और इसके पिछले वेरिएंट के बीच संक्रमण की कोई गंभीरता का पता नहीं लगा सके हैं। वहीं इस तरह आप कर सकते हैं अपना बचाव। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए टिश्यू या अपनी कोहनी का उपयोग करें। व्यक्तिगत वयस्कों को साझा करने से बचें, जिसमें टॉवल, कपड़े और बर्तन जैसी चीजों को एक दूसरे से साझा ना करें। जिसे चिकन पॉक्स हुआ हो उसके साथ इन चीजों को बिल्कुल भी शेयर ना करें। बच्चों को इससे बचाने के लिए उन्हें पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क के ना भेजें। हो सके तो आप भी मास्क पहन कर ही जाएं। बार बार हाथ धुलवाएं और उनके टॉवल का भी ध्यान रखें। कहने का मतलब है कि बच्चों के टॉवल को भी किसी और के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ये संक्रामक रोग बच्चों को अपनी चपेट में जल्दी लेता है।